हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई मैं आप लोगों के लिए फुल न्यू मिनिमल हाइपरवाइज थीम्स लेकर आ गए हूँ और सभी के सभी कंट्रोल सेंटर सपोर्ट के साथ आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो बात करें फर्स्ट थीम की, तो आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ आता है ये थीम। काफ़ी ब्यूटीफुल आइकॉन्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हो स्मॉल सर्कुलर आइकॉन्स हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। स्मॉल्स आइकॉन्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है ये थीम। एक मिनिमल कंट्रोल सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का मिल जाता है और यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसलूसेंट है, जिसके वजह से ये और भी अच्छा लगता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आता है और ये जो थीम है ये डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करता। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो एक ब्यूटीफुल विजेट के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर लॉक स्क्रीन। और यहाँ पर भी सेम वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ब्यूटीफुल एंड मिनिमल थीम्स पसंद है तो ये थीम आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। थीम का नाम है ब्लू बाई डी एन और इवांक और इसकी सही है 11 MB। अब आते हैं हमारे सेकंड थीम पे जो कि कुछ इस टाइप के एक ब्लर वॉलपेपर के साथ आता है और ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। और आइकॉन्स आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के आइकॉन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। ओल्ड डिजाइन में आइकॉन्स देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं और यहाँ पर नीचे एक डॉग भी देखने को मिल जाता है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर डायलर के अंदर, तो आप देख सकते हो कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। और बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्विक टॉगल्स में आपको ग्लास डीएन देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर ग्रीन नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर जो स्टेटस बार है, यहाँ पर जो बैटरी का आइकॉन है वो चेंज हुआ है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर भी सेम वॉलपेपर मिल जाता है और यहाँ पर जो विजेट है वो नीचे देखने को मिलता है। तो इस सेकंड थीम का नाम है ग्रीन अंडरस्कोर V0 और इसकी सही है ओनली 6.6 MB। थीम की डिजाइनर है बाई रेवन। अब आते हैं हमारे थर्ड थीम पे जो कि कुछ इस टाइप की एक येलो वॉलपेपर के साथ आता है, एक ब्लर फ्लावर वॉलपेपर है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और विजेट आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, यहाँ पर आइकॉन्स जो है थोड़े से लार्ज साइज में है और स्क्वायर हिस्से में है जो कि कुछ इस टाइप के लगते हैं। अगर हम जाते हैं यहाँ पर डायलर के अंदर, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है कंट्रोल सेंटर। और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी चेंज देखने को मिल जाता है और ये जो थीम है डार्क एंड लाइट दोनों मोड में वर्क करता है। तो आप देख सकते हो लाइट मोड में कुछ इस टाइप का लगता है। और बात करें लॉक स्क्रीन की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की लॉक स्क्रीन के साथ आता है, एक विजेट यहाँ पर ऊपर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ इस टाइप का अनलॉक मेथड देखने को मिलता है। आप डायरेक्टली इन ऐप्स को क्विकली एक्सेस कर सकते हो और यहाँ पर अनलॉक भी कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो आप उसे टर्न ऑफ करोगे तो ये लॉक स्क्रीन ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस थीम का नाम है हाइपर एरो V1/DNR L1MYDC और इसकी साइज 12.3 MB। अब आते हैं हमारे लास्ट थीम पे जो कि है डॉग बाई डीएन और इवांक और इसकी साइज 5.4 MB। होम स्क्रीन की बात करें, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक ब्यूटीफुल डॉग वॉलपेपर के साथ आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और आइकॉन्स आप देख सकते हो डार्क आइकॉन्स हैं और यहाँ पर स्मॉल आइकॉन्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। कंट्रोल सेंटर की बात करें, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है, फर्स्ट थीम में जिस टाइप का कंट्रोल सेंटर था सेम वैसा ही है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। देन बात करें यहाँ पर लॉक स्क्रीन की, तो यहाँ पर सेम ब्यूटीफुल वॉलपेपर मिल जाता है एक मिनिमल विजेट के साथ। तो ये थे फोर न्यू मिनिमल हाइपरवाइज थीम्स, आई होप के आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हाइपरवाइज लॉक स्क्रीन के बारे में जानना चाहते हो, तो लेफ्ट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और कुछ इंटरेस्टिंग देखने के लिए राइट वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज सुमन साइनिंग आउट।